हेलो दोस्तों, मैं साइलेंसर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PVRSTT पर। सभी 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 को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाइए सभी लोग चैनल पे। और कल आपके इस चैनल पर जो मेरी क्लास थी, मैंने कल आपको रस पढ़ाया था, सेंटीमेंट पढ़ाया था। रस कल मैं डिफिनेट किया था और रस के अंगों के विषय में उसके पार्ट्स बताए थे कि कितने रस होते हैं, उनके कौन कौन से अंग होते हैं। तो आज जो कल पढ़ाया गया था, आज थोड़ा सा 2 मिनट में उसका एक बार रिवीजन कर दें, ताकि जिन बच्चों को समझ में ना आया हो आपको वो समझ में आ जाए। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कल जो मैंने आपको रस पढ़ाया था, तो रस में आपको मैंने बताया था कि रस का मतलब होता है आनंद से, यानी कि काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो हमें सुखद अनुभूति होती है, वह रस कहलाता है। जो हम सुखी अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, तो काव्य की आत्मा को कहते हैं, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर बात क्वेश्चन पुटअप होता है कि रस के प्रणेता कौन है, रस को किसने बनाया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि रस के जो प्रणेता कहे जाते हैं, रस के प्रणेता जो कहे जाते हैं, वो भरत मुनि कहलाते हैं, भरत मुनि कहलाते हैं। और भरत मुनि ने इसको कब किया था, मैंने आपको कल बताया था कि 1ली सदी में अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में इसका विवेचन किया था। अर्थात रस के जो प्रणेता कहे जाते हैं वो भरत मुनि कहलाते हैं। भरत मुनि ने कितने रसों का निर्माण किया था, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को स्थान दिया था? तो मैंने आपको कल बताया था कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 8 रसों को स्थान दिया था। कितने? 8 रस को स्थान दिया था, 8 रस को स्थान दिया था। ठीक है, 8 रस को स्थान दिया था। परंतु उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाद के जो शिक्षाविद हुए, उन्होंने अन्य रसों की खोज की, और अन्य रसों की खोज करते समय उन्होंने कितने रसों को माना? 9 रसों को माना। कल मैंने आपको बताया था 9 रस होते हैं, जिसे नवरस कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। बाद के शिक्षाविदों ने 2 अन्य रसों की भी खोज की थी, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, विभत्स और भक्ति रस, जो श्रृंगार रस से ही संबंध होते हैं, संबंधित होते हैं, अपना जो स्थान रखते हैं। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत माना जाता है, उसी के थ्रू माना जाता है। तो इसलिए जो है 9 रस मुख्यतया माने जाते हैं। मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर 9 रस आते हैं या 11 रस आते हैं तो आप 9 रस को टिक करेंगे। बाय द वे, अगर 9 रस का ऑप्शन नहीं है, 11 रस का ऑप्शन है, तो आप 11 रस में टिक करेंगे। यदि 11 और 9 दोनों हैं तो आप 9 रस में टिक करेंगे, क्योंकि भक्ति और वात्सल्य जो होते हैं वो श्रृंगार रस से ही रिलेटिव होते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था, और इनके अंगों को बताया था कि रस के कितने अंग होते हैं। तो आज मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, रस के जो अंग होते हैं वो, पहला अंग मैंने आपको बताया था कि पहला अंग क्या होता है? अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव होता है। दूसरा क्या होता है? विभाव होता है। तीसरा क्या मैंने आपको बताया था? अनुभव बताया था, अनुभव बताया था। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो संचारी भाव बताऊंगा। कल आप जो है अस्थाई भाव पढ़े थे, विभाव पढ़े थे, अनुभाव पढ़े थे। आज जो हमें पढ़ना है संचारी भावों को पढ़ना है। अस्थाई भाव को मैंने आपको कल बताया था कि अस्थाई भाव जो होते हैं वो प्रधान भाव होते हैं, अर्थात ये जो होते हैं काव्य में या नाटक में शुरू से लेकर के अंत तक अपना महत्व रखते हैं, अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विभाव में मैंने आपको बताया था कि जो विभाव होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कल मैंने आपको बताया था कि विभाव कितने प्रकार से होते हैं, 2 होते हैं। पहला है आलंबन, आलंबन। दूसरा है उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा पा करके नायक और नायिका के मन में भाव जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलंबन। और दूसरा क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है कि जैसे किसी स्थान में आप जाते हैं, किसी स्थान को देख करके, उसके मनोहर दृश्य को देख करके आपके स्थान को, आपके मन को भा जाता है। तो जो यहाँ पर आपके मन को, यानी कि वस्तु और परिस्थिति को देख करके आपके मन में जो भाव जगते हैं उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। आलंबन को मैंने आपको बताया था कि आलंबन 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है आश्रयालंबन, आश्रयालंबन।
और दूसरा मैंने आपको बताया था विषयालंबन, विषयालंबन, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन कहलाता है, और जिसके मन, जिसके प्रति मन में भाव जगे वो विषयालंबन कहलाता है। जैसे नायक और नायिका के मन में भाव जगते हैं तो नायक क्या होता है ना, नायिका के प्रति मन में भाव जगते हैं तो यहाँ पर नायक आश्रयालंबन होगा और नायिका क्या होगी, विषयालंबन होगी। ठीक है, उसी प्रकार से उद्दीपन विभाव में चलते हैं। उद्दीपन विभाव में मैंने आपको कल बताया था कि किसी वस्तु या परिस्थिति को देख करके जो मन में भाव जगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्दीपन भाव कहते हैं। तो आज फिर उसके बाद मैंने आपको मैंने अनुभव बताया था। अनुभव में मैंने आपको बताया था कि जो मनोगत भाव होते हैं, जो मनोगत भाव होते हैं, मनोगत भाव आपके अनुभव कहलाते हैं, मनोगत भाव आपके अनुभव कहलाते हैं, जो मन के द्वारा भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुभाव। अनुभाव की संख्या कितनी मैंने आपको बताई थी, अनुभाव की संख्या मैंने आपको 8 बताई थी कल। आपके कुछ क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे कई बार पूछा जा चुका है कि अनुभाव की संख्या बताइए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संचारी भाव भी मैंने लिखा है, तो संचारी भाव भी कभी कभी पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है या अनुभाव की संख्या कितनी होती है। तो अनुभाव की संख्या मैंने आपको कल बताई थी कि अनुभाव की संख्या 8 होती है। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था स्तंभ, स्वाद, अश्रु, वर्णांधता, ये सब जो क्या कहलाते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव के विषय में जानेंगे, संचारी भाव के विषय में समझेंगे और संचारी भाव को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं संचारी भाव को समझते हैं। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाला, अर्थात जो मन में भाव संचरण करते हैं, एक वो मन में कभी टिकते नहीं है। जैसे कि कभी कभी आप लोग सोचते हो कि मन में जो भाव, देखिए मन बड़ा चंचल होता है, मन में कभी कभी कुछ कल्पनाएं जगती हैं, फिर क्षण बाद वो कल्पनाएं क्षणभंगुर होती हैं, क्षण बाद फिर दूसरी कल्पनाएं जन्म लेती हैं। तो इस तरीके से आपका मन चंचल होता है, तो जो मन की चंचलता होती है, जो मन के भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम संचारी भाव के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संचारी भाव क्या होते हैं, इनमें भाव कैसे संचरण करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है, 33 इनकी संख्या होती है। संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है, और इनके द्वारा जो मन में भाव चलते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो चलते हैं संचारी भाव को समझते हैं। तो दोस्तों चलते हैं संचारी भाव को समझते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, अर्थात ये मन में इन भाव जो होते हैं बार बार आते जाते हैं, अस्थायी रूप से रहते नहीं हैं, ये अस्थायी रूप से आपके पास रहते नहीं हैं, ये मन में आते जाते हैं, और आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी का मतलब होता है संचरण करना, संचरण करने का मतलब होता है घूमना, ठीक है, आना जाना। तो इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी, इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, इनकी संख्या 33 मानी जाती है। इनकी जैसे आप कह सकते हैं ईर्ष्या, निंदा, घृणा जो होते हैं ना, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर्ष है, त्रास, भय, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अहिता, पशमार, व्याधि और मरण। तो यहाँ पर हम चलते हैं समझते हैं संचारी भावों को। संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव का मतलब होता है मन में संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी। जैसे कि आप के पास जो खुशी होती है, कहते हैं ना खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं, सुख खुशी के बाद जो है व्यक्ति थोड़ा दुखी जरूर होता है, तो यहाँ पर खुशी है। भय, भय का मतलब कि आपको जो डर होता है, डर कंटिन्यू आपके पास रहता नहीं है, कभी आप डरते हैं, कभी नहीं डरते, कभी आप निडर हो जाते हैं। विषाद, लज्जा, इसी प्रकार से इनकी जो संख्या होती है 33 मानी जाती है। जैसे लज्जा है, ग्लानि है, चिंता है, शंका, असूया, ये सब आपके जो होते हैं संचारी भाव कहलाते हैं, संचरण करने वाले। यहाँ पर जैसे आप निर्वेद संचारी भाव है, तो निर्वेद का मतलब होता है, निर्वेद का मतलब होता है अपने आप को कोसना, अपने आप को कोसना या धिक्कारना निर्वेद कहलाता है।
उसके बाद धृति है, मति है, विबोध, वितर्क। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्मरण, अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है कि मूर्छा, जब व्यक्ति को मूर्छा जाती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो उसे अपस्मार बोला जाता है। तो इस जैसे मूर्छित व्यक्ति को मूर्छा जो आती है, ज़्यादा देर तक नहीं आती, वह 2-4, 5 मिनट, 10 मिनट तक मूर्छित रहता है, उसके बाद वो होश में आ जाता है। तो उसी प्रकार से संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। कभी अस्थायी रूप से नहीं रहते, बार बार आते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके रस के अंग थे, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये आपको बता दिए गए हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रस के जो चार अंग हैं, उनके जो वर्क होते हैं, उनके जो कार्य हैं, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अस्थायी भाव ये प्रधान भाव होता है। विभाव दो प्रकार से होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर नायक और नायिका के मन में भाव जगते हैं, आलंबन कहलाता है। और आलंबन दो प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे। जैसे आप किसी वस्तु को देखते हो तो वस्तु को पाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो जाती है, तो आप आश्रयालंबन कहलाएंगे, और जो वस्तु होती है वो विषयालंबन कहलाती है। ठीक है, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब होता है किसी वस्तु या परिस्थिति को देख करके आपके मन में जो भाव जगते हैं, उसे हम उद्दीपन भाव कहते हैं। तीसरा होता है अनुभाव। तो अनुभाव को मैंने आपको बताया था कि अनुभाव 8 होते हैं, अनुभाव की संख्या 8 मानी जाती है, जैसे स्तंभ, स्वाद, निर्भेद, ये सब जो होते हैं आपके अनुभव कहलाते हैं। और संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं, बार बार मन में आते जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 33 जो है आपके संचारी भाव होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। हर्ष यानी कि खुशी, भय का मतलब डर, विषाद, लज्जा, ग्लानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्भेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये मद है, इसको अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसको मद लिखिएगा, मद। ठीक है, तो इस प्रकार से संचारी भाव की संख्या होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपके जो रस के अंग होते हैं, रस के अंग पूर्णतया संपन्न होते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक जो आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, इससे जो भी हमारी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचेंगी और आप उसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। आप लाइक करते हैं तो मुझे इससे इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो आपके लाइक करने मात्र से हमारे अंदर एक नई उत्सुकता जागती है, आपके प्रति एक नया जोश जागता है कि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं और अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करें। अब इस रस के अंग के बाद हम चलते हैं, आपको रस पढ़ाते हैं कि रस क्या होते हैं, कितने प्रकार से रस होते हैं। भरत मुनि ने अपने जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस को स्थान दिया है, वो कितने प्रकार से रस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं मित्रों, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 8 रस को स्थान दिया था, और जो एक रस का उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन नहीं किया था, उसका नाम है शांत रस। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाट्य होते हैं, नाट्य में शांत रस का कोई स्थान नहीं होता। शांत रस को यदि नाटक में स्थान दे दिया जाएगा तो उससे जो हमें अनुभूत सुखद अनुभूति होगी, जो खुशी महसूस होगी, वो हमें अनुभूति नहीं मिल पाएगी। इससे आपका रंगमंच भंग हो जाएगा, आपका आनंद भंग हो जाएगा, इसलिए नाटक में शांत रस को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। चलते हैं शांत रस को चलते हैं श्रृंगार रस को समझते हैं कि कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम जो पूर्णतया रस होते हैं और 9 रस होते हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 अन्य रसों की खोज की थी, इससे रसों की संख्या 11 पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो 2 अन्य रस होते हैं, विस्मय और भक्ति, ये श्रृंगार रस से संबंध रखते हैं, तो इसलिए पूर्णतया रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप 9 को ही टिक करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलते हैं रस को समझते हैं, रस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं रस को समझते हैं।